नमस्कार, स्वागत है सभी का। आप सभी को पता है 2 वर्षीय बीएड है, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट हो गई आज से, इस तरह से शुरू हो गई है। तो क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको कॉलेज अलाउड हो, तो फिर अलॉटमेंट के समय कोई दिक्कतें न आए, भरना कुछ और है, भर दिया आपने कुछ और, तो उस पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है आपके लिए लाभदायक होगी। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन में जाए, अपने फ़ोन में ही देख ले और देख के कॉलेज है और अपना ज़िले की जो कॉलेज है उन कॉलेजों को अच्छे से पहले जान ले, कौन सी कॉलेज को आपको चॉइस भरनी है, उसके बाद में काउंसलिंग करें। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जैसे आप गूगल पे गए, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके PTET लिख दो और ये जो पहले वाली PTET लिखी है उस पर क्लिक करो। ये पेज खुल के आएगा, इस पेज पे पहले वाला ही है ये PTET 2022, उस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो ये साइट खुल के आ जाएगी, जय नारायण यूनिवर्सिटी जोधपुर, ये पेज खुल गया। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो ये जो आपका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है उसको ही देख लेते हैं, उनकी क्या तिथियां हैं। ये इसको जूम कर लेते हैं, ये आपकी तिथियां है मित्रों, ये देखो, मैं ऊपर और कर देता हूँ इसको, ये लो। ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है आपकी, ये 5,000 रुपये जमा करवाने हैं। देखो ये 17 सितंबर से शुरू हो गए है और 27 सितंबर तक चलेगी, ये आपकी तिथि है। 17 से लेकर के 27 के बीच में ही आपको 5,000 रुपये का चालान पेश करना है, काउंसलिंग करवानी है। अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, BA स्नातक की मार्कशीट, और आपने जो PTET का परिणाम देखा था, जो ई मित्र वाले से आप परिणाम निकाल के लेके आए थे, एक वो लेके जाना है और आपके मूल निवास जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाने हैं, SC ST वाले आय प्रमाण पत्र भी अपना तैयार रखें और अपनी 2 फोटो लेके जाना है। और ये जो 5,000 रुपये, ये 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में आपको ये काउंसलिंग करवानी है। उसके बाद में ये कॉलेज चॉइस है, ये भी 17 से लेकर के 29 सितंबर के बीच में। फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा नहीं मिला है, तो फिर ये 5 अक्टूबर के दिन, ये रहो 5 अक्टूबर के दिन आपके कॉलेज है उसकी लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और 5 तारीख के बीच में आ जाएगी। आपको लगता है कि ये कॉलेज है, मिल गया हमें, और मिलने के बाद में फिर मित्रों जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में 22,000 रुपये की फीस है वो जमा करवानी है पहले वर्ष की। तो 22 तो ये हो गए और 5 वो हो गए, मतलब पहले साल की 27,000 रुपये फीस है। उसमें ये जो 22,000 रुपये है ये 6 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में आपको कॉलेज में जमा करवाने हैं। ये ई मित्र द्वारा ऑनलाइन ये रसीद भरी जाएगी, ये जमा करवा देना। उसके बाद में आपको लगता है कि मुझे है जो कॉलेज है वो गलत जगह मिल गया है, मुझे इस कॉलेज से BEd नहीं करनी है और मैं है जो कॉलेज चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर आपको कॉलेज चेंज करने का जो आपका समय रहेगा वो ये है मित्रों, आप है वो 7 से लेकर के और 17 अक्टूबर के बीच में, ये कॉलेज आफ्टर काउंसलिंग है, ये तो ये रहा अपोवर मूवमेंट का मतलब है कि 8 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है इस कॉलेज से BEd नहीं करनी है, मुझे दूसरी कॉलेज से करनी है, तो इस कॉलेज से अपोवर मूवमेंट के लिए इस कॉलेज में सूची चस्पा कर दे, अपने रोल नंबर वगैरह अपनी फ़ोटो लगा दे, उस कॉलेज में भी लगा दे, तो उस कॉलेज वाला इसमें, इस कॉलेज वाला उसमें, या फिर किसी कॉलेज में सीटें कम रहेगी तो आप कॉलेज चेंज कर सकते हो। कितने तारीख के बीच में ये आवेदन होगा ये भी ऑनलाइन ही होगा, 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में। और फिर आपको जो अपोवर मूवमेंट में आपने कॉलेज चेंज की है उसके लिए आवेदन किया है उसका परिणाम आएगा मित्रों 22 अक्टूबर के दिन, और 22 अक्टूबर के दिन आपको पता लग जाएगा कि आपका कॉलेज है वो आपका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। और यदि आपका कॉलेज चेंज हो गया है तो जो अपोवर मूवमेंट का कॉलेज है के अपोवर मूवमेंट के तहत आपका कॉलेज चेंज हुआ है उसमें 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, 22,000 रुपये जमा करवा सकते हैं। और किसी बच्चे को ये भी लगता है कि सर मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से कॉलेज है वो अपने ज़िले के है, तो मैं बताता हूँ कि आप जो ऊपर ये दे रखा है, हाँ ये रहा, क्लिक ईयर फॉर BEd 2 ईयर कोर्सेज, इस पर 2 ईयर वाले पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये लिस्ट खुल के आएगी, अगला पेज खुल के आएगा, इसमें इधर देखो
कॉलेज लिस्ट, इस कॉलेज लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो फिर ये सारी के सारे कॉलेज आ जाएगी आपकी खुल के, ये सारी की सारी कॉलेज आ जाएगी। अब आप कौन से ज़िले से हैं, किस ज़िले से आपको देखना है कॉलेज, कौन सा कॉलेज देखना है, तो फिर यहाँ जाए आप और डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज करें। आपको लगता है जैसे मैं हनुमानगढ़ का हूँ और मुझे हनुमानगढ़ की कॉलेज देखनी है तो मैं हनुमानगढ़ पे क्लिक करूँगा। जैसे ये हनुमानगढ़ को मैंने चूज किया तो ये हनुमानगढ़ की कॉलेज आ गई, ये हनुमानगढ़ के सारे कॉलेज आ गए। कितने कॉलेज दे रखे हैं, 34 कॉलेज है। इन 34 कॉलेज में आपको लगता है कि प्राथमिकता पे कौन कौन से कॉलेज को रखना है, उन कॉलेज को प्राथमिकता दे, बाकी सारे के सारे 34 कॉलेज है 34 की 34 ही भर दे। और हनुमानगढ़ से बाहर भी आपको लगता है कि हनुमानगढ़ में कॉलेज नहीं मिले बाई चांस, तो लास्ट में आएगा एनीवेयर राजस्थान, येस एंड नो, वहाँ नो नहीं करे यस कर दे, क्योंकि बीएडी करनी है तो कहीं भी किसी भी जिले में हो सकता है अपने जिले की बाहर की कोई कॉलेज मिले, तो वहाँ नो नहीं करे यस कर दे। तो ये मित्रों जानकारी थी जो मैंने बता दी है, और कॉलेज चॉइस भरने से पहले थोड़ा सा गूगल मैप पे सर्च करके और साइट पे कॉलेजों को अच्छे तरीके से देख के उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करें।